मित्रों, ISKCON जिसे हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, एक वैश्विक आध्यात्मिक संगठन है जो दुनिया भर में फैले अपने खूबसूरत मंदिरों के रूप में भी जाना जाता है। मित्रों, ISKCON की स्थापना 1966 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में की गई और हरे कृष्ण आंदोलन चलाया गया और पूरे विश्व में श्री राधा कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर बनवाए गए। आज ISKCON के विश्व भर में 850 से अधिक केंद्र और 650 से अधिक मंदिर हैं और बहुत से मंदिर बनवाए जा रहे हैं, जिसमें एक भारत में भी बन रहा है। राधे राधे मित्रों, मैं हूं प्रवीर राजपूत और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन PK। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं ISKCON द्वारा बनवाए जा रहे लोटस टेम्पल की, जो महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में बन रहा है, जिसे कमल के पुष्प का रूप दिया जा रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित होगा। मित्रों, ISKCON के प्रवक्ता डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा ने कहा कि कमल के फूल को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा गया है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की आंखें कमल के पुष्प के समान हैं, इसीलिए इस अनोखे मंदिर का निर्माण का फैसला कमल के रूप में लिया गया है। मित्रों, इस लोटस टेम्पल का निर्माण एम्पेरियन टाउनशिप के 152 एकड़ के परिसर के एक हिस्से पर किया जाएगा। मित्रों, दुनिया भर में ISKCON के सैकड़ों मंदिरों में से कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जिसकी अवधारणा कमल पर आधारित हो। मित्रों, यह भव्य श्री राधा कृष्ण कमल मंदिर इतना सुंदर और आकर्षक बनाया जा रहा है कि लोग यहाँ टूरिस्ट के तौर पर भी आ सकें और भक्तिमय हो जाएं। मित्रों, मंदिर के चारों ओर एक कृत्रिम तालाब भी बनाया जाएगा जिसमें नीले रंग का पानी भरा जाएगा। मंदिर परिसर में हरी घास के पार्क भी बनाए जाएंगे और फलोदार पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। ISKCON कमल मंदिर प्राचीन और आधुनिक वस्तु कला का मिश्रण होगा। इस मंदिर को इतनी सुख सुविधाओं के साथ बनाया जा रहा है ताकि यहाँ भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मित्रों, ISKCON जहाँ भी नए मंदिरों का निर्माण करता है वहाँ एक रसोई भी बनाता है और इस मंदिर में भी एक रसोई का निर्माण हो रहा है जो निःशुल्क भोजन वितरित करेगी। मित्रों, इस मंदिर में एक दर्शन हॉल के साथ साथ एक प्रसाद वितरण हॉल भी होगा, जहाँ 1500 भक्तों को एक साथ प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। साथ ही एक गीता व्याख्या केंद्र, एक सभागार भी बनाया जाएगा। साथ ही मंदिर में अन्य सुविधाएं भी होंगी, जैसे कि 1500 भक्तों के लिए वैदिक संस्कार हॉल, एक आध्यात्मिक केंद्र और एक वेदांत पुस्तकालय, गोविंदा रेस्टोरेंट, वैदिक शिक्षा केंद्र, वरिष्ठ सन्यासी आश्रम, योगा केंद्र, गेस्ट हाउस और भी बहुत कुछ शामिल होगा। मित्रों, ISKCON द्वारा श्री राधा कृष्ण को समर्पित एक कमल मंदिर भारत में बन रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राधे राधे मित्रों, मैं हूं प्रवीर राजपूत, जल्द मिलता हूं एक और नए मंदिर की जानकारी को लेकर। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप भगवत गीता में रुचि रखते हैं तो हमारे दूसरे चैनल भगवत गीता को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।